हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज नायक फ्रॉम फिजिक्स कॉन्सेप्ट ग्वालियर। कल जो हमने क्वेश्चंस दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप सभी ने निकाल लिया होगा। इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें यह दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम डिस्टेंस डी विद इनिशियल वेलोसिटी यू पैरेलल टू यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट। यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट है। इट स्ट्राइक्स द प्लेट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एल। ये एल डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर कहीं ये इलेक्ट्रॉन गिर जाता है। ठीक है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेट। इस कंडक्टिंग प्लेट की हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालनी है। कंडक्टिंग प्लेट ये एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आप देखें कहीं ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्लेट रही होगी, ठीक है, और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को हमें प्रोजेक्ट करना है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है, इस पाथ को फॉलो करते हुए। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ये प्लेट अपने ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करेगी, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा आप देख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। तो क्यू की जगह में स्मॉल ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ये आप ध्यान रखिएगा। माइनस जे चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। ओके, अच्छा, यहां पर ये हमारे पास एफ वाई आ गया, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया, उसके कारण यहां गिरेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन है इसमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है क्योंकि कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सिलरेशन भी इसका नहीं होगा, और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो यू ही रहेगी इसकी। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्सिलरेशन लगेगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में, मीन्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है ना, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एफ वाई की, तो यहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, एम ए वाई इक्वल टू एम ए बाय इक्वल टू आ जाएगा ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया, ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो। ये वाई डायरेक्शन में, मींस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिल गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि आप देखो ये L, L आखिर कितना होगा। ये मान लो यहां से यहां तक t टाइम में आ गया, यहां t टाइम लगा, तो L मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम t, राइट। ठीक है, अच्छा, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। वर्टिकल डिस्टेंस आपको मालूम हो है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, यू वाई तो जीरो है। ठीक है, और यहां हम ये फॉर्मूला वर्टिकल डायरेक्शन के लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में बात करना है तो वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस डी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई जीरो है प्लस हाफ, और यहां मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सिलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या था, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है आप देख रहे हैं, स्मॉल ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो। टी, टी को आप यहां से उठा के रख दो, एल अपॉन यू कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये सिग्मा आपको फाइंड करना है। तो सिग्मा इक्वल टू मिल रहा है, आप देख सकते हैं, टू एम एप्सिलॉन जीरो यू स्क्वायर डी, मतलब इसको लिख सकते हैं टू डी एप्सिलॉन जीरो एम यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय कितना आएगा, ई एल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे आज आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, तब तक इनको सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।